हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ वेजिटेबल मिल्क पराठा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है और ये बहुत आसानी से बन जाता है। वेजिटेबल मिल्क पराठा बनाने के लिए मैंने 4 अंडे लिए हैं, दूध और मैदा, जिसकी मेजरमेंट मैं आपको बाद में समझाऊंगी, एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, बारीक कटा हुआ अदरक, 2 लाल मिर्च और 2 हरी मिर्च बारीक कटे हुए, बारीक कटा हुआ गाजर और बारीक कटी हुई स्प्रिंग ऑनियन, आधा चम्मच चाट मसाला और बारीक कटी हुई प्याज। सबसे पहले एक ग्राइंडिंग जार में हम 4 अंडे लेंगे। 4 अंडों के लिए मैंने 4 कप दूध लिया है। इस कप का मेजरमेंट 70 ml के करीब है, यानी इसमें टोटल 300 ml के करीब दूध लगा है। अब जिस कप से हमने दूध को मेजर किया था, उसी कप से हम 4 कप मैदा डालेंगे। कप के हिसाब से हमने दूध और मैदा की क्वांटिटी सेम ली है। अगर आप 5 अंडे ले रहे हो तो 5 कप मैदा और 5 कप दूध लीजिए। अब इन सबको ग्राइंड कर लीजिए। अब हम इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे। सबसे पहले बहुत बारीक कटा हुआ 1 इंच अदरक डालिए, एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 2 बारीक कटी हुई लाल मिर्च, 2 बारीक कटा हुआ गाजर और एक बारीक कटी हुई स्प्रिंग ऑनियन डालिए। आप इसमें अपनी पसंद से और कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए अब ये कितना सुंदर और कलरफुल लग रहा है। अब इसमें आप स्वाद अनुसार नमक डालिए। और आधा चम्मच चाट मसाला डालिए। अब इसमें एक बारीक कटी हुई प्याज डालिए। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी का बैटर हमें चाहिए। मैंने इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं किया है। अब इसके पराठे बनाएंगे, उसके लिए मैंने एक पैन को तेल से ग्रीस कर लिया है। अब चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर ग्रीस किए हुए तवे पर स्प्रेड करिए। हम इसको जैसे ऑमलेट बनाते हैं उसी तरीके से बनाएंगे। फ्लेम को हमने मीडियम पर रखा है। अब इस पर ढक्कन ढककर हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ऊपर के साइड का कलर थोड़ा चेंज हुआ है, मतलब इसकी दूसरी साइड अच्छे से पक गई है। अब हम इसको फ्लिप कर लेंगे और दूसरी साइड को भी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। देखिए अब ये पराठा रेडी है। इसी तरीके से हम दूसरे पराठों को भी बना लेंगे। आप इनका साइज़ अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हो। हमें बस इन्हें मीडियम फ्लेम पर इनका लाइट ब्राउन कलर आने तक पकाना है। देखिए ये अच्छे से पक गए हैं। दूसरी वाली साइड से भी ये कलरफुल और वेल कुक्ड लग रहे हैं। आप इन्हें अच्छा लुक देने के लिए फोल्ड कर प्रेजेंट कर सकते हो। ये खाने में भी बहुत ही डिलीशियस है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।